और फिलहाल पीछे एक R15 वाला है और वो काफ़ी अच्छा मतलब एक रिएक्शन दे रहा है। तो ओ भाई देख रहे हेलो गाइस व्हाट्सअप एंड यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। सो गाइस फिलहाल अपना ब्लॉग जो है वो थोड़ा पेंडिंग चल रहा है बिकॉज तुम लोग को मालूम होगा इधर 1 मंथ के अंदर हमारा 2 बार प्रेस हो चुकी है, अपनी ट्यूब 2 बार प्रेस हो चुकी है और जिसकी वजह से अभी इधर कुछ नहीं हो पा रहा। तुम लोग भी समझ सकते हो 2 बार प्रेस हो जाना मतलब कैसा फील होता होगा, नहीं हो पा रहा था उधर कुछ। बट अब हम लोग इधर स्टार्ट कर रहे हैं, वापस से रिस्टार्ट कर रहे हैं सारी चीज़ें एंड तुम लोग को फ्रेश ब्लॉग्स मिलेंगी। सो तुम लोग सब्सक्राइब करके रखना। और फिलहाल अभी हम लोग आए थे अपनी गाड़ी को लेकर अपने एक मैकेनिक हैं जितेंद्र भैया उनके पास दिखलाने के लिए बिकॉज अब आगे से उन्हीं के पास सारी काम करवाने हैं हमको और सारी चीज़ें ठीक करवानी है। सो हम लोग उनके पास आए थे बट नहीं हो पाया बिकॉज उनके पास पहले से कुछ और वर्क पेंडिंग में थी। सो फिलहाल हम लोग गाड़ी तो नहीं बन पाई अब हमारी बट हम लोग उनका हेलमेट लेकर आए बिकॉज कल हम लोग को एक राइड पर निकलना है। फिलहाल हम लोग यहाँ से पहले निकल लेते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, आगे चलकर हम लोग बात करते हैं इस बारे में और देखते हैं कट मार पाते हैं। स्पेस कम है बट देखते हैं, चेक करो गाइस। सो गाइस फिलहाल हम यहाँ निकल चुके हैं और मैं ये बोल रहा था कि उनका हेलमेट हम लोग लेकर आए एंड कल का जो भी राइड होगा उसको हम लोग शूट करेंगे। 40 से 50 किलोमीटर का राइड होने वाला है और फिलहाल एक R15 वाला है और वो काफ़ी अच्छा मतलब एक रिएक्शन दे रहा है। हमारा जो भी हम लोग शूट कर रहे हैं ना वो हमारा फ़ोन देख लिया है रिकॉर्डिंग करते हुए बिकॉज डिस्प्ले मेरा फ़ोन का जो है वो बड़ा है एंड ए फ्यू मोमेंट्स लेटर आसपास के लोगों को दिख जाता है। तो ओ भाई देख रहे हो क्या ही यार मज़ा आ गया। मतलब ना देखो कहाँ मैं कौन सी गाड़ी में हूँ और R15 ये सब मतलब अच्छी अच्छी गाड़ियों वाले भी है ना अच्छे अच्छे रिएक्शन दे रहे हैं अपने को व्लॉग में, इस बात की बहुत ही खुशी है। फिलहाल हम लोग तेज भगा सकते थे बट हम लोग नहीं भगाए बिकॉज अपना जो ब्रेक है ना वो सही से काम नहीं कर रहा है जिसकी वजह से हम लोग अभी फिलहाल शॉर्ट चला गया था। गाइस देख रहे हो अभी हम लोग भाई हम लोग ज़्यादा स्पीड अप नहीं चला पा रहे बिकॉज अपना ब्रेक सही से काम नहीं कर रहा, रियर ब्रेक जो है वो सही से बज नहीं रही एंड फ्रंट ब्रेक जो हम लोग मार रहे हैं सो अपनी जो फ्रंट व्हील है वो लॉक हो जा रही है एंड बहुत गंदा वाला स्कीड कर जा रहा। सो वो जो पुल था ना पुल में हम लोग स्पीड किए बिकॉज वहाँ पे इधर उधर से लोग नहीं आते और इधर ये सब जो ओपन एरिया आपको दिख रहा है यहाँ पर कहीं से भी कोई भी आया देखो छुंदर को देखो बुलेरे वालों को देख रहे हो कैसे अचानक से मतलब किधर से भी आ जाते हैं एंड इसी तरह से लोग हैं कहीं से भी निकल जाते हैं। इसकी वजह से हम लोग थोड़ा कम ही स्पीड अभी चला रहे हैं जब तक ब्रेक नहीं बनता है, सही नहीं होता है ब्रेक अपनी रियर की और फ्रंट की। सो फिलहाल हम लोग अब कल मिलते हैं, आज का ब्लॉग बस यहीं तक। आई नो ये छोटा ब्लॉग है बट आप लोग को इन्फॉर्म करने के लिए था। सो तब तक आप ख्याल रखें अपने अपने फैमिली का अपने फ्रेंड्स का, कीप स्माइलिंग स्टे सेफ एंड सपोर्ट मी।